में बढ़ते हैं आगे। दरभा से आपको खबर बता रहे हैं, दरभा डिवीजन के नक्सलियों ने शनिवार को बस्तर बंद का ऐलान किया है, जिसमें पर्चे पोस्टर फेंक कर उन्होंने अपनी बात रखी है, जिसके चलते अंदरूनी इलाकों की सड़कों पर बसों के पहिए थम गए हैं। चिलचिलाती धूप में यात्री प्रतीक्षालय में बैठे हुए हैं। कटे कल्याण भोपाल पट्टनम अरनपुर इलाके में बंद का असर देखा जा रहा है, और लेकिन मुख्य मार्गों से रोजाना की तरह आवागमन चालू है। बंद को लेकर दंतेवाड़ा फोर्स भी मुस्तैद है, और जिले भर के सभी संवेदनशील थाना क्षेत्रों में गश्त बढ़ा दी गई है। कल भी नक्सलियों ने कटे कल्याण में एक मोबाइल टावर के जनरेटर में आग लगाकर दहशत फैलाने का काम किया था। आसपास पूछे जाने पर नक्सलियों का जो बंद चल रहा है, उस वीडियो में बताया जा रहा है कि पिछले दो घंटों से जो बस आने वाली थी नहीं आ पाई है, हम काफी देर से वेट कर रहे हैं। तो दंतेवाड़ा के इलाकों में बंदी का ऐलान किया गया था, जिसका थोड़ा बहुत असर देखा जा रहा है, लेकिन जो ज्यादा रहायशी इलाके हैं या जहां पर ट्रैफिक अक्सर देखा जाता है, उन इलाकों में इसका खासा असर देखने को नहीं मिला है। तो नक्सलियों ने एक बार फिर से पर्चे फेंके हैं, जिसमें उन्होंने बंद का ऐलान किया, और ये पर्चे कल देर रात फेंके गए थे और उस जनरेटर पर चिपकाए गए थे, जिसे उन्होंने आग के हवाले कर दिया था। लिहाजा उसमें 18 तारीख का यानी आज का ऐलान किया गया था, बंद का आह्वान उसमें किया गया था। आग लगाकर दहशत फैलाने का काम भी नक्सलियों द्वारा किया गया। देर रात एक जनरेटर में आग लगाई उन्होंने, और जिस जनरेटर पर उन्होंने आग लगाई थी उस पर उन्होंने पर्चे भी चिपका रखे थे। तो नक्सलियों ने इलाका एक बार फिर से बंद कराया है। दंतेवाड़ा के इलाकों में बंद का ऐलान था। पन्ना जिले में ककर रहती